तो पार्टी सिंबल की खींचतान के बीच राम गोपाल यादव ने कहा है कि मुलायम सिंह जो कर रहे हैं उन्हीं से पूछा जाए, हम जानते हैं पार्टी का संविधान क्या है। तुम जब बातचीत की गई, चूंकि 2 बजे आज चुनाव आयोग के सामने अपना तर्क रखा जाएगा दोनों ही पक्षों की ओर से, अखिलेश यादव की ओर से रामगोपाल चुनाव आयोग जाएंगे, तो मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अंबिका चौधरी और अमर सिंह भी 2 बजे चुनाव आयोग जाएंगे। आयोग से कोई वक्त मांगा नहीं। जी सर, सर लेकिन आज मुलायम सिंह यादव जी और शिवपाल जी दोनों लोग जाके शिकायत कर रहे हैं चुनाव आयोग में, तो उनसे पूछो जाके जो कर रहे हैं, हम क्या करें? कह रहे हैं आपने जो फैसला किया जो अधिवेशन संवैधानिक है, संवैधानिक था। हाँ, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो उन्हीं से पूछो सर। लेकिन सर पार्टी का संविधान क्या कहता है? सर जो ना संविधान जो कहता है वो हम जानते हैं। तो संविधान क्या कहता है ये हम जानते हैं। रामगोपाल यादव जो 2 बजे चुनाव आयोग के सामने होंगे और तब क्या रखा जाएगा अपना पक्ष, वाकई बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कहा जा रहा है लगातार मुलायम सिंह यादव की ओर से भी कि कानूनी तौर पर अभी भी समाजवादी पार्टी पे उनका ही अधिकार है और जो जानकार हैं संविधान के वो भी इस चीज को मानते हैं पार्टी संविधान के मुताबिक। फिलहाल क्या कुछ हुआ है ये जरा समझिए। समाजवादी संग्राम पर अपडेट हम आपको देते हैं। मुलायम सिंह यादव थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे, शिवपाल यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं, अमर सिंह भी दिल्ली में ही हैं। आज दोपहर 2 बजे मुलायम सिंह और अमर सिंह चुनाव आयोग के सामने पेश होंगे, तो अपना तर्क रखा जाएगा। मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि कानूनन पार्टी मेरे साथ है, तो शिवपाल ने कहा है जब वो दिल्ली पहुंचे हैं कि मरते दम तक मैं मुलायम सिंह के साथ रहूंगा और अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ही हैं। फिलहाल नरेश अग्रवाल क्या कह रहे हैं इस बीच वो सुनते हैं। तो इस बीच जो अपडेट हम दे रहे हैं इसको ही, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको ये भी बताते हैं कि रामगोपाल भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि जो मुलायम सिंह यादव है वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने पार्टी के संविधान के मुताबिक गलत किया है, तो वो कह रहे हैं कि आप उनसे ही जाकर के पूछिए, वही इस चीज का जवाब दे सकते हैं। लेकिन यही उन्होंने कहा कि वो कोई जज नहीं है। तो लखनऊ में अखिलेश ने आज विधायकों की बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप मुलायम सिंह से बातचीत करिए, मुलायम सिंह के पास जाइए और उनका ही चेहरा हम आगे लग करके चुनाव कर लड़ेंगे भले ही मुझे बुलाया जाए। इस बीच बड़ी खबर है समाजवादी पार्टी में संग्राम के बीच आरएलडी ने कह दिया है कि वो गठबंधन नहीं करेगी। आरएलडी महासचिव आलोक त्यागी का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, अखिलेश यादव के साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि 2-3 दिन पहले ही ये खबर आ रही थी जिसमें कहा गया था कि जयंत चौधरी ने बातचीत की है अखिलेश यादव से और समर्थन दे सकती है आरएलडी, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर आरएलडी ने किनारे कर लिया अपने आप को और कहा है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे अखिलेश यादव के साथ। तो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस और आरएलडी से बातचीत चल रही है अखिलेश यादव की, हो सकता है उनका समर्थन ले लिया जाए अगर अलग ही होना हुआ तो, लेकिन आरएलडी ने साफ तौर पे अपना पक्ष क्लियर कर दिया है। ये कहा गया है कि गठबंधन नहीं करेंगे। 3 दिन पहले तक यही खबरें आ रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि जयंत चौधरी ने शायद बातचीत की है, लेकिन तो आरएलडी महासचिव के हवाले से ये खबर आ रही है जिसमें बड़ा ऐलान किया गया है। ये कहा गया है कि अखिलेश यादव के साथ हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे। अनुराग चड्ढा हमारे साथ है। अनुराग, 3 दिन पहले तक तो हो रहा था कि बातचीत की गई है और शायद अखिलेश के साथ हो सकते हैं, अब क्या हुआ? देखिए श्रद्धा, जो आरएलडी के चीफ है अजीत सिंह, उनसे मेरी कुछ देर पहले बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग इस मुद्दे पर अभी हमने मन नहीं बनाया, लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि हम अखिलेश यादव के साथ नहीं है। उसके बाद जो त्रिलोक त्यागी है जो राष्ट्रीय महासचिव है आरएलडी के, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भ्रम की स्थिति है कि हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों की जो बातचीत चल रही थी मुलायम सिंह और शिवपाल यादव के साथ चल रही थी और अभी भी स्थिति यही है। कोई गठबंधन होता है तो शिवपाल या मुलायम सिंह से हम बात करेंगे, उसके बाद कुछ बात होगी, लेकिन फिलहाल हमारी अखिलेश यादव या प्रोफेसर रामगोपाल से किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है यूपी में महागठबंधन को लेकर। जी चलिए अनुराग, अपडेट आगे भी लेंगे, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल ये कहा जा रहा है आरएलडी की तरफ से कि हमारी कोई भी बातचीत नहीं हुई है गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव से। तो फिलहाल अब इंतजार 2 बजे तक का है जब चुनाव आयोग के सामने अपना तर्क रखा जाएगा मुलायम सिंह यादव की ओर से और रामगोपाल यादव की ओर से।
फिलहाल हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, लखनऊ से पूर्व जस्टिस सीबी पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपडेट हमें विवेक तिवारी लगातार दे रहे हैं लखनऊ से। आजमगढ़ से सर्वेश है और महोबा से ब्रिजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीबी पांडे जी का मैं सबसे पहले रुख करना चाहती हूँ। सीबी पांडे जी, पार्टी के संविधान के मुताबिक देखें तो क्या लगता है आपको, किस तरीके की स्थितियां हैं, किसका पक्ष मजबूत मानते हैं? देखिए, ये तो जब आज से जो इलेक्शन हुआ है, जो राष्ट्रीय सम्मेलन का इनका लखनऊ में अखिलेश को जिसमें चुना गया है, तो ये लोग रामगोपाल जी वो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन में वो यही बताएंगे कि हमारे पार्टी में जो समाजवादी पार्टी है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुलायम सिंह जी अब नहीं रहे, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए अखिलेश सिंह। तो अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए तो इनको आप मान्यता दीजिए, और चूंकि इनके संविधान में ये व्यवस्था है कि जो अध्यक्ष होगा वही सिंबल अलॉट करेगा, तो इसलिए उनका कहना होगा कि हमारे साइकिल जो चुनाव चिन्ह है उसका भी हम अधिकृत हो जाएंगे और उसको बांटेंगे। ये बात है। मुलायम सिंह को अभी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चूंकि इन लोगों को ये मालूम हो गया है कि ये लोग जा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन इस बात में कहीं एक्स पार्टी एक तरफा कार्रवाई ना करे, इस संभावना को देख के इन लोगों ने ये सोचा है कि अगर ये जाते हैं तो हम भी अपना पक्ष रखें कि ये जो चुनाव हुआ है, जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, ये अवैधानिक है, ये संविधान के उनका जो समाजवादी पार्टी का जो संविधान है उसके अनुरूप ये उसकी जो प्रक्रिया दी गई है उसमें उसके अनुसार नहीं हुआ है। तो ये एक प्रियम्प्ट कर रहा है, पहले ही से वो अपना दे दे रहे हैं कि ताकि हमारी बात सुनने के बाद ही इस मामले में कोई फैसला किया जाए। तो अब जहाँ तक संविधान की बात है, इनके संविधान में देखिए कहाँ इन लोगों में कहाँ मतैक नहीं बन रहा है। पहले जो दिक्कतें हैं संविधान में, जो ये व्यवस्था दी गई है कि जो राष्ट्रीय सम्मेलन का बुलाया जाएगा वो सम्मेलन के बुलाने की प्रक्रिया दी गई है इनके भारत इनके समाजवादी पार्टी के संविधान में, और वो प्रक्रिया ये है कि तीन स्थिति में सम्मेलन बुलाया जा सकता है। पहली स्थिति यह है कि इनके राष्ट्रीय सम्मेलन के नीचे एक बॉडी है जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसके भी अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वही होता है, उसके भी अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष भी मुलायम सिंह है। तो एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी उनके एक बने जो है वो सम्मेलन बुलाएगी, राष्ट्रीय सम्मेलन नंबर एक। दूसरी स्थिति में यह है कि राष्ट्रीय सम्मेलन कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बुला सकते हैं, जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह हैं। तीसरा यह है कि अगर संविधान जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रतिनिधि हैं, जितने लोग राष्ट्रीय सम्मेलन में हैं वो प्रतिनिधि माने जाते हैं जो उसमें भाग लेते हैं, तो उनमें से अगर 40% लोग अगर चाहें तो ये अनुमति उनको मिल सकती है कि सम्मेलन बुला सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक इनके संविधान में एक दोष है, और वो दोष ये है कि उसमें भी लिखा है कि 40% जो प्रतिनिधि हैं वो अगर सहमत हैं कि सम्मेलन बुलाया जाए तो वो लिख के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष तब बाध्य होंगे उसको बुलाने के लिए। तो उस स्थिति में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही बुलाना है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले में कहते हैं कि हमने तो बुलाया नहीं और इसमें रामगोपाल जी ने बुलाया है बैठक, तो रामगोपाल जी को उनके संविधान में कोई अधिकार नहीं है। अगर 40% लोग लिख के भी दे चुके होंगे तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ही जाना चाहिए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाना चाहिए। अगर वो मना करते हैं तो क्या स्थिति है, ये इनके संविधान में उसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। तो ये संविधान का अगर ये दोष है तो उसका फायदा मैं समझता हूँ कि ये तो मुलायम सिंह को ही मिलेगा, क्योंकि मुलायम सिंह की जो है अभी भी चुनाव आयोग के सामने वही अध्यक्ष हैं, वो उन्हीं के जो पदाधिकारी उनके साथ जो चुने गए हैं वही पदाधिकारी हैं। तो इसी स्थिति में कानूनी स्थिति तो मैं लगता हूँ कि रामगोपाल जी कैसे कर रहे हैं कि वो सम्मेलन वैध था, ये आपने को साबित करना पड़ेगा चुनाव आयोग के सामने। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। विवेक तिवारी भी हमारे साथ हैं। विवेक, लखनऊ में किस तरीके का अपडेट है, क्योंकि थोड़ी देर पहले विधायकों की जो बैठक खत्म हुई है उसके बाद तो एक जो तेवर है वो भी नर्म पड़ते नजर आए, और साफ तौर पर ये भी इंस्ट्रक्शन दिए गए कि कम से कम मुलायम सिंह यादव को आगे करिए, उनका चेहरा आगे रखिए, और उसके बाद चुनावों में आप जाइए। अलग अलग चीजें आज भी देखने को मिली इस विधायक अभी जो बैठक हुई है फिलहाल उसको देखते हुए, अभी क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अभी मुख्यमंत्री जनता दरबार का जो हॉल है वहाँ पर है और लोगों से मिल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो उनसे मिल करके आए हैं। मैम, अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी से मिली, नेताजी को लेकर के किस तरह का पार्टी में आपको लग रहा है असमंजस बना हुआ? माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली हूँ, अब तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कहूँगी उन्हें। मेरा नाम ज्योति तिवारी है, मैं गाजियाबाद से हूँ, और मुझे मुख्यमंत्री जी ने अपने टीम में मुझे सचिव बनाया था, प्रदेश सचिव बनाया था, और उन्होंने ये कहा है कि आप कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप 2017 के चुनाव को जीत कर लाइए, यही हमारी विजय है, और नेताजी भी हमारे अपने हैं और हम लोग सब अपने हैं, हम लोगों के बीच कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक हो गया है, सिंबल भी यही रहेगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को आदेश दिया है।
आप बताइए, आप भी मिलके आई? मैं मिलके आई हूँ। नेताजी ने मुझे, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोग जाइए सन 2017 की तैयारी करिए, कोई ऐसी बात नहीं, हम सब एक रहेंगे और एक हैं, और बढ़िया से मैसेज जाए और सब कार्यकर्ता अपना बल से, अपने हिम्मत से नेताजी के जो मुख्यमंत्री जी का कार है उस विकास को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है, तो देखिए श्वेता, ऐसा है कि एक तो चुनाव आयोग का तकनीकी मामला है, दूसरा एक जज्बाती मामला भी है। मुलायम सिंह यादव को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है, और ये अखिलेश भी जानते हैं कि मुलायम सिंह को अलग करके आगे बहुत मुश्किल होगी चुनाव में जाने में, इसलिए किसी भी तरह से। अभी हमने यहाँ पर उदयवीर से बात की जो MLC है और बहुत करीब है मुख्यमंत्री के, उनका ये कहना कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नेताजी को मना लिया जाए किसी भी तरह से, और उनको यकीन है कि किसी दिन बहुत जल्द नेताजी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर होंगे, तो ये भी एक रास्ता खोला गया है कि किसी भी तरह से नेताजी को मनाया जाए। वो सारी चीजें भी चल रही हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि नेताजी के खिलाफ कोई भी बयानबाजी नहीं करेगा, उनको सबसे आगे रखते हुए वो चुनाव प्रचार करेंगे। बिल्कुल विवेक, बने रहिए, जरा मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र का ही रुख कर लेते हैं, आजमगढ़ का रुख कर लेती हूँ। सर्वेश वहां पर बने हुए हैं। सर्वेश, ये बताइए कि शायद कार्यकर्ता भी अब इंतजार कर रहे हैं क्या होता है। ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा, हम अलग नहीं है, हम साथ में ही है, एक जो जज्बात है वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इस बीच कार्यकर्ता कर क्या रहा है, वो क्या कुछ महसूस कर रहा है? वो ऐसी स्थितियों की समाजवादी पार्टी में नहीं आई है, वो खुद को कहां पर, अपनी स्थिति को कहां पर वो देखता है? देखिए श्वेता, इन सारे सवालों के जवाब के लिए हम सीधे कार्यकर्ताओं से ही बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो लड़ाई इतने दिनों से चल रही है और जिस तरह से लगातार बयान बदल रहा है, उसके देखते हुए जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े संयमित हो गए हैं। अब वो किसी के पक्ष और विपक्ष में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इंतजार कर रहे हैं। आज 2 बजे का भी वो इंतजार ही कर रहे हैं इनका। ये आइए हम सीधे इनसे ही जानते हैं, आप लोग क्या मानते हैं कि जिस तरह से ये चीजें हो रही हैं, कैसे चुनाव में आप किसके साथ जाएंगे, क्या करेंगे? हम एक बार पुनः कहना चाहते हैं, हम समाजवादी आंदोलन और समाजवादियों की सरकार फिर बनाएंगे। हम समाजवादी आंदोलन को पूरी पूरी तरह से मजबूत करेंगे, जो सदियों का सवाल ये कि सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। सवाल का नेतृत्व जो है, इसके पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय अखिलेश यादव जी चेहरा थे, वो चेहरा रहेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर आने वाले चुनाव में उनको हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, और नेताजी को उन्होंने वादा किया है जीत का तोहफा देंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर ऐसा होता है अखिलेश जी के नेतृत्व में, तो फिर शिवपाल यादव, फिर मुलायम सिंह यादव भी नाराज हैं, इन सारी चीजों को कैसे मनाया जाता है? आप लोग कैसे काम कर पा रहे हैं, किसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास को लेकर जन जन तक जा रहे हैं, और वे काम हम लोग उनके विकास के बल पे, माननीय नेताजी के चेहरे पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे, हम लोग पुनः जो है समाजवादियों की सरकार बनाने के लिए। आपने सर्वेश ये सोचा है कि अगर आज दो सर्वेश, लेकिन पार्टी किसकी है, साइकिल किसकी है, ये तो बड़ा अहम सवाल हो जाता है ना। ठीक है, विकास की बात ये लोग कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम तो चुनावों में जा रहे हैं, हम पूरी पार्टी साथ में है, कोई झगड़ा नहीं है, ये बातें इनके स्तर पर की जा रही है। लेकिन 3 दिन पहले ये भी किस तरीके से विरोध के सुर में थे वो देखने को मिलता था। आप हमारे साथ बने रहिए, इस वक्त ब्रजेश भी हमारे साथ बने हुए। ब्रजेश, क्या मानते हैं वहां पर लोग, महोबा वो जगह जहां पे माना जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, क्या मानते हैं ये लोग, किसको अपना फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे मानते हैं, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, खुद यहां पर कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। एक चीज ये बताइए, पसों पे इसकी स्थिति है। अखिलेश जी ने कहा कि मुलायम सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे हम लोग, और हम लोग आगे बढ़ेंगे, उनका जीत का तोहफा देंगे। क्या पसों पे इसकी स्थिति है? जो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि नेताजी की नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उनको जीत का तोहफा देंगे, तो कोई पशुपेश की स्थिति रह ही नहीं जाती है। फिर आयोग की चौखट तक मामला पहुंचा कि पार्टी किसकी, अब पार्टी किसकी तो कार्यकर्ता किसका, ये भी तो पशुपेश है। कार्यकर्ता मैंने आपसे बताया कि कार्यकर्ता माननीय नेताजी अखिलेश जी दोनों का डिसीजन वो ही लेंगे, वो जानते हैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत है, वो समझ रहे हैं कार्यकर्ता कितना दुखी है, तो वो अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि वो दुखी रहे, वो कार्यकर्ताओं की फीलिंग को समझते हुए। ये वक्त था कि मौके मतलब धरातल में जाकर के चुनाव प्रचार करें कार्यकर्ता, आज दो खेमों में बटे हुए हैं, तो ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। कार्यकर्ता आज भी अपनी मेहनत से समाजवादियों के लिए काम कर रहा है, कार्यकर्ता के लिए कोई दुविधा नहीं, कार्यकर्ता अपना काम करना करते जा रहा है, और समाजवादियों की सरकार बनाने के लिए मेहनत पूरी जोर शोर से लगा हुआ है, उसमें कोई दौरा नहीं है। कार्यकर्ता एक रास्ता अपना बना चुका है कि हमें 2017 में समाजवादी की
सरकार बनाना है। चलिए, यानी कि ये लोग कहना चाह रहे हैं कि हमें 2017 की जीत से मतलब है, बाकी पार्टी किसी के भी पास रहे, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, शायद इन लोगों का यही कहना है। और ये लोग मेन मकसद जो है वो है कि चुनाव जी, वो तो समानता की बात आ रही है। और जी समानता